भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में शानदार शुरुआत की। उसने दौरे के अपने पहले दोनों T20 मैच जीत लिए। इन दोनों मैचों में भारत के टॉप स्कोरर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल रहे। पहले मैच में अय्यर 58 रन पर नाबाद रहते हुए जीत दिलाकर पवेलियन लौटे थे, तो वहीं दूसरे मैच में 44 रन बनाकर जीत की दहलीज पर आउट हो गए, तो राहुल 57 के स्कोर पर नाबाद लौटे। वहीं आपको बता दें, केएल राहुल ने सीरीज में लगातार 113 रन बना चुके हैं, तो वहीं श्रेयस अय्यर के बल्ले से 102 रन निकले हैं। ये दोनों सीरीज के भी टॉप स्कोरर हैं। अगर सीरीज की टीम इंडिया के नजरिए से बात करें तो अय्यर की पारी ज्यादा अहम और उम्मीद जगाने वाली है। केएल राहुल पिछले कई महीनों से फॉर्म में हैं और इसी की बदौलत टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर उस नंबर 4 पर खेल रहे हैं जो बरसों से टीम की कमजोरी रही है, इसलिए जब अय्यर नंबर 4 पर अच्छा खेलते हैं तो वे टीम की उम्मीदों को भी जगाते हैं। ऐसे में टीम इंडिया की नंबर 4 की कमजोरी अय्यर दूर कर रहे हैं। वे जल्दी विकेट गिरने पर रुककर खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगाते हैं। श्रेयस अय्यर जब दूसरे T20 मैच में बैटिंग करने आए तो टीम का स्कोर 39 रन था। रोहित और विराट कोहली पवेलियन लौट चुके थे, यानी अगर न्यूजीलैंड एक और विकेट लेने में कामयाब हो जाता तो मैच फंस सकता था, लेकिन अय्यर ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने केएल राहुल के साथ 86 रनों की साझेदारी की और टीम को जीत भी दिलाई। ऐसे में कहा जा सकता है न्यूजीलैंड में खेली गई श्रेयस अय्यर की ये दो पारियां उनके करियर के लिए भी अहम होने जा रही हैं। ऐसे में आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।